हेलो एवरीवन मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे जीएसएससी के द्वारा नगर पालिका दो का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा आपको दिखाऊंगा इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी तो सबसे पहले देखिए खोटा का जो पेपर था 29 दस दो का वो कैसा पेपर था और यहाँ से जो है पेपर भी आप देख पाओगे आज का पेपर यूट्यूब पे आपको ये पहली बार देखने को मिलेगा कि सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे ठीक है हिंदी वाला जो पेपर है वो भी मैंने पीडीएफ बनाकर रखा है वो भी आपके साथ जो है साझा में कर दूंगा आप उसे जो है देख सकते हो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आप देख लो क्या है क्वेश्चन जय माय जननी कविता में जननी कर माने की होवेत यानी कि जननी का क्या मतलब होता है जन्म देने वाला ठीक है अगला क्वेश्चन देखो काकर जयंती में खोठा दिवस मनोवल जा है यानी कि किसके जयंती पे किसके पैदा होने पे जो है खोट्ठा दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना था चार ऑप्शन देखिए डॉक्टर हिके झा श्रीनिवास पानुरी भुवनेश्वर दत्त शर्मा विश्वनाथ दसौधी राज ये आपको बताना था फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता पाठ कौन किताबें शामिल है यानी कि फूल कर परब सरहुल जो है आर तकर प्रासंगिकता ये कौन सी किताब पे है खोट्ठा निबंध में है खटरस में है सौंद माटी में है या कोई ना है यानी कि नन ऑफ दिस आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ओ एको चनफन गिदर हो एकर में विशेषण शब्द के छाटो विशेषण शब्द को आपको छांटना था इसमें ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा झूम ईर कौन पहर गावल जय यानी कि झुमहर जो है कौन से समय में गाया जाता है बिहा पहर में करम पहर में सोहराय में या फिर पूस पहरे में ये आपको बताना था अगला सवाल देखो श्रीनिवास पानुरी जी के खोठाक वाल्मीकि के कहल तो देखिए यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र वीर भारत तलवार विश्वनाथ दसौंधी राज या फिर रामदयाल पांडे इसी तरह से आगे देखो हेटे बल शब्दे बहुवचन के बतावा बहुवचन के बारे में बताना है सोमरी या फिर पेठिया यह है अगला सवाल देखो डॉक्टर ए के झाजी जन्म टांग के बतावा यह बताना है आपको मधुकरपुर बोकारो बगदहा बोकारो कसमार बोकारो या फिर चंडीपुर बोकारो ऑप्शन चारों थे यहां से आप देख पाओगे अगला सवाल देखो छाइर कहानी में कुल कै गो पात्र हथ कैगो पात्र है छ गो पांच गो चार गो आठ गो ये आपको बताना था अगला सवाल देखो जावा कौन पर्वे उठल जाए यानी कि जो जावा है वो कौन पर्व उठाया जाता है सौराय परब में टुसू परब में करम परब में या फिर सरहुल परब में ये आपको बताना था आगे देखिए बनीजे केर माने के होवे इसका क्या मतलब होता है काम करे व्यापार करे मिला जाए या फिर बानी आने ये आपको बताना था अगला सवाल देख लो बोन पहाड़े जे सभ्यता पोंगाइल है ओकरा कहल जाए उसको क्या कहा जाता है बोन सभ्यता संस्कृति पहाड़ी सभ्यता संस्कृति अरणय सभ्यता संस्कृति या फिर सभ्यता संस्कृति अगला देखो खोटा समास कैद कैगो भेद, कै भेद होवे है यानी कि खोठा के समास में कैगो जो है भेद होता है ये बताना है छह गो चार गो पांच गो आठ गो ये था आगे देखिए सुगा कौन लोक कथा का पात्र लागे यानी कि सुगा जो है वो कौन से लोक कथा का पात्र था गोहराइल पर्व या फिर धनेक धहीन या फिर केतकी फूल या फिर सात बहिन एक फूल आगे देखिए एक टोकी फूल कैसन किताब लागे वो कैसा किताब है लोक कथा किताब है लोकगीत है कविता है या कहानी संग्रह है ढका यानी कि ढकरोइत में कौन से परहित लागत है वो कौन सा लगता है ये आपको बताना था चार ऑप्शन है यहाँ पे अगला सवाल देखो सत्रह नंबर शब्द एक सही जोड़ी छाट इसको जो है छाटना है काका काकी मौसा मौसी जेठ गुंगुमाए या फिर सभे इसी तरह से आगे देखो कर्मा सोहराय टूसु सरहुल पर चर्चा होटेक कौन गीते हेल ई ये बताना था आपको चार ऑप्शन है चाभी नाटक में कैगो पात्र आठ है सोलह है इक्कीस है, है, है या दस है डॉक्टर विनोद कुमार जी के लिखल कहानी बता यानी कि इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई है उसका बताना है उसके बारे में बताना है तो देखिए हुब नवा छोट जमीदार हाम जैब कैसे या फिर बोनेक लोर इसी तरह से देखिए शिवनाथ प्रमाणिक जी मायक नाम बता यानी कि उनके माता जी का नाम बताना है तनकी देवी शांति देवी रुशनी देवी या फिर बलसी देवी झारखंड सरकार बाटे के खोक श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मानित व्यक्ति है यानी कि कौन थे वो शिवनाथ प्रमाणिक नरेश नीलकमल नारायण महतो या फिर डॉक्टर गजाधर महतो मिट्टी सॉरी मिली के रहीहा यानी कि मिल के रहिए मिलजुल कर रहिए कौन भावे के गीत हवे पा रहे कौन सा जो है गीत है कौन से इसमें संदेश दिए गए हैं बिहार का गीत है देश प्रेम का गीत है राष्ट्रीय भाव का समाजवाद का या सभ भाव का गीत है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम बताओ इनका उपनाम क्या है इनका एक और नाम क्या है झारपात बिहारी प्रभाकर व्याकुल आगे देखिए रुसल भोला कवित कविक लिखल लागे किसने लिखा है महेंद्र प्रबुद्ध ने शिवनाथ प्रमाणिक ने शिवनाथ नागर ने या फिर संतोष कुमार महतो ने हमने सब एक कविता कवि के लागत है उनका नाम बताना है श्रीनिवास पानुरी सुकुमार नागेश्वर महतो या फिर डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर अगला सवाल देखिए डॉक्टर बी एन ओहदार जी पूरा नाम बताना है। इनका पूरा नाम बताना है बासुनाथ ओहदार है इनका नाम बबलू नाथ है भो नाथ है या फिर भोला नाथ है अगला सवाल देखिए मेड और मानुस कौन भावे छायावादी रहस्यवादी जनवादी या प्रयोगवादी इसी तरह से आगे देखिए पूजा ने चार के कई में होवे एक होता है दो होता है तीन होता है चार होता है ये बताना है आपको इसी तरह से देखिए सांझे हाइस झीका फूल के गीत के गीतकार कौन है यह बताना है महेंद्र नाथ गोस्वामी अनिता कुमारी सुभद्रा कुमारी या शिव प्रमाणिक सरहुल परब के मुंडारी में कहल जाए यानी कि सरहुल परब को मुंडारी में क्या कहा जाता है जाड़कोर बापरेब या फिर सरहुल परब या फिर कोयना विशेषण कर कैगो भेद होवे है यानी कि विशेषण का कितना भेद होता है आठ सात पांच या चार खोटा के अकॉर्डिंग आपको बताना था आगे देखिए अगला सवाल महुआ कर गुणगान होठेक कौन कविता में करल गेल है यानी कि महुआ कर गुणगान किसमें किया गया है तबे हम नाय या फिर महुआ भनीता या फिर कविता आर कविता और खादिक कुर्ता खादी का कुर्ता उसके बारे में बताया गया कि किस कविता में है यह आपको बताना था बनेक लोर कहानी कौन किताबें शामिल है यानी कि बनेक लोर में जो है कौन से जो है किताबें यह शामिल है ये बताना है सौंद माटी दुई डायर पसार फूल या फिर छाईहर या फिर नचनी काकी लुईगर शब्द एक उल्टा क्या है लुईगर का शब्द जो है इसका क्या मतलब है बेलुरा, चेडगर या फिर कोयना या फिर हुबगर ठीक है आगे देखिए विश्वनाथ नागर जी का जन्म ईसवी बताइए सात जनवरी उन्नीस सौ उनचालीस दो फरवरी उन्नीस सौ चालीस पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ उनचास तेरह मार्च उन्नीस सौ इसी तरह से देखिए हमर भारत महान रे गीत कौन किताबें शामिल हुई कौन सी किताब में शामिल है झिंगा फूल कोयरिया फूल सोहान लागे रे या फिर रागा लाठी खोटा में कैगो स्वर वर्ण है यानी कि स्वर वर्ण जो है कितने हैं खोठा में पांच गो है छह गो है तेरह गो है या फिर आठ गो है यह बताना है आपको कौन हो नाम के ही कहल जाए सभंग्या सबर नाम कारक या लिंग क्या कहा जाता है कौन है नाम को क्या कहा जाता है ठीक है तो संज्ञा होगा ऑप्शन ए चाबी काठी नाटक में दमयंती की लागे एगो अनपढ़ जनी एगो शिक्षित युवती एगो दलाल औरत या फिर एगो समाज सेवी ये आपको बताना है आगू करब अपन देश कविता ककर लिखल लागे किसने लिखा था तारकेश्वर महतो ने दिनेश कुमार दीनमणि ने विनय तिवारी ने या फिर सुकुमार ने चाईगर गीत कौन पहर गावल जा है कौन से समय में गाता है गाया जाता है बिहार के समय में करम परब में पूस पर्व में या फिर सोहराय परब में ठीक है झारखंड करम परब कहिया मनावल जाए यानी कि झारखंड में जो है करम कब परब जो है कब मनाया जाता है भादो इंजोरिया दशमी में या फिर आसिन इंजोरिया एकादशी में या फिर भादो इंजोरिया एकादशी में या फिर भादो इंजोरिया द्वादशी में ऑप्शन दे दिए बताना आपको के की कौन कैसन सबर नाम लागे संबंध पुरुषवाचक सवालवाचक या फिर निज वाचक गुदूपुच रानी आर कोवा कौन किताब में शामिल हुई लोक साहित्य में तातर आर हेमाल या फिर छाहुईर या फिर नवा बिहान ये आपको बताना था दिनेश दिनमणि जी होठेक कौन कवि लोक कथा के जोगाड़ी करल हाथ ये बताना है आपको इसका चार ऑप्शन है इसमें से आपको राइट आंसर बताना था सैतालीस नंबर संज्ञाक ऊर्जा अवैज शब्द को क्या कहते हैं विशेषण सर्वनाम काल बचन चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य है पांच गो है दस गो है पंद्रह गो है या बीस गो है इसी तरह से देखिए जिनगी कहीं कहनी के मुख्य पात्र लागे कौन है मुख्य पात्र गोबरा जंगली एतवा या फिर कोईला लिंगे के गलत जोड़ा के छाटा सेठ सेठानी टुपा टुपली मरद जनी या फिर छौरा गिदर ये आपको बताना छौरा का छोरी होता है तो ये ऑप्शन गलत होगा शिवनाथ प्रमाणिक जी के उपनाम बता इनका नाम मानिक है शिवाजी है प्रेमाजी है या मनिक चंद है बताना है आंसर महतो कर स्त्रीलिंग क्या होता है महतो का महातो महताइन महताइन या फिर महताइन देखिए यह आपको बताना था आगे देखिए देशक जुबान कविता होठेक कौन सी किताबें शामिल है हिलोर लोर एक पथिया डोंगल या फिर चरगुड़ा उठा उठे में कौन क्रिया है अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया है दोहरी क्रिया है या असल क्रिया है सोंद माटी कहकर लिखल किताब लागे विनोद कुमार डॉक्टर गजानन गजाधर महतो डॉक्टर बी एन या फिर भोलानाथ महतो चाबी काठी नाटक में कै गो जनी पात्र है दो गो है तीन गो है चार गो है पांच गो है ये आपको बताना है आगे बढ़ते हैं खोठा में बहुवचन बने खातिर कौन पय पर तई जोड़ल जाए यानी कि कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है गुला गुलीन या सबे खोटा साहित्य जनक कैकरा कहल गेल है किसे कहा गया है डॉक्टर विश्वनाथ दसोई को डॉक्टर बी एन ओहदार को या फिर श्रीनिवास पानुरी को गाछ कर बहुवचन की होगा यानी कि गाच यानी कि वृक्ष का जो है बहुवचन क्या होता है गछवाइन लोरवाइन गछनी या फिर गछवा ठीक है गछवा होना चाहिए था आगे बढ़ते हैं नी उपसर्ग से बनल शब्द के छाटा नी से जो शब्द बना गया है उसे छाटना है निशा निमुहिया निराश या फिर कोई नहीं आगे बढ़ते हैं कते सुंदर छोटा नागपुर गीत ककर लिखल लागे किसने लिखा है कते सुंदर छोटा नागपुर सुकुमार ने दीप सवाल ने दीपक सवाल ने दिनेश दिनमणि दीपक कुमार प्रदीप कुमार दीपक ने ओठे कौन कविता एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल है पढ़ रे नोनू ढेसा ढेसी छोड़ डहर बनाई चल रे झाड़ झारखंड एक ये आपको बताना था एक पथिया डोंगल महुआ कैसन कविता लागे गीत संग्रह है ये कहानी संग्रह है कविता संग्रह है कोई नहीं है इसी तरह से देखिए सेवांतिक बाउंड्री मेला गीत ककर लिखल लागे किसने लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने दीपक सवाल ने हिरानेन सोरेन ने या फिर सुमित सुम्रा कुमारी ने ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल है चाभी काठी ककर लिखल नाटक लागे चाभी देखिए चाभी काठी चाबी काठी किसके द्वारा लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी इम्तियाज गदर, गोस्वामी महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा धनेक लोक कथा में बूढ़ी चमटू किनाक एगो टाका देल हिले किसने दिया था रुपया टाका दिया था चांदी का दिया था सोना का दिया था या जर मनी का दिया था यह बताना है आपको ठीक है जर मनी का चाबी काठी नाटक में शंभु कैसन कवि रहे हैं क्रांतिकारी रहे हैं एगो सामाजिक कवि रहे समाज सेवी एगो चोर रहे हैं मतलब चोर थे क्या इसके बारे में आपको बताना है देखिए अगला देखिए क्या है इसके अलावा है मुंशी थे इसके बारे में बताना था आपको सात भाई एक बहन लोक कथा में जो है जोगाड़ी करल हत क्या किया था शांति भारत ने किया था डॉक्टर रविंद्र कुमार ने एस के झा ने या फिर डॉक्टर बी एन ओहोदार ने किया था चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये रहा भाई बहन शुभ्र प्यार के प्रतीक परब कर्म पाठ के लिखवैया के हैं किसने लिखा था डॉक्टर बी एन ओदगार ने विनोद कुमार ने डॉक्टर गजाधर महतो ने या फिर डॉक्टर रितु नासी ने किसने लिखा था ये आपको बताना है अगला सवाल देखो पहान के समाज बाटे ले कई जमीन होइल जाहे वो उसे क्या कहते हैं पहना जमीन प्रति जमीन सरना जमीन सरकारी जमीन ठीक है सोहान लागे रे गीते लिखवैया के लागत किसने लिखा है शांति भारत ने मुकुंद रविदास ने बासु बिहारी ने दिनेश दीनमणि ने छाइगर कखनी कहकर लिखल लागे जो ईर जो है किसने लिखा था दिनेश दीनमणि ने गजाधर ने चित्रंजन ने या फिर शांति भारत ने अगला सवाल देखो जिनगी कहना कहानी में जो है अशोक संगी के लागे उसका संगी जो है वो कौन है सुमरा है जंगली है एतवा है या फिर कोयला है कालू राम कौन नाटक पात्र लगे कालूराम जो है वो कौन सा पात्र है बेचारा मास्टर है चाबी काटी है अजगर है या फिर मेमा मे की ना मोट माट महेश गोलवार होटेक कौन कविता लिखत है जय जय जवान किसान आइस पाइस हमें कवि करब उलगान यानी कि आंदोलन की बात की जा रही है अगला सवाल देखो बिहार गीत होठेक कौन गीत में राखल जा सके संस्कार गीत में कहानी गीत में शिकारी गीत में परब त्यौहार गीत में ये आपको बताना है ठीक है धनेक धधाइन लोक कथा पर जोगाड़ी के करल हाथ किसने लिखा इसके जाने डॉक्टर बीएन एन ओहदगार ने डॉक्टर गजा धर्म ने फिर या शांति भारत प्रभाकर ने दिनेश दिन मनी जी के लिखल गीत पहचान करा कौन सा गीत लिखा है उन्होंने माइंदर बाजे रे बांसी सोहान लागे रे हमार भारत महान रे बोने पाकाइल संज्ञा ये है हम घर जाए एकर में सब्र नाम शब्द को छाटिए जाई घर हम कोई नहीं ये आपको बताना है रोपनी गीत में कौन से गीत ये कौन सा गीत है रोपनी गीत किसानी गीत है बिहार का गीत है सोराय गीत है या कोई नहीं है आगे देखिए रोहन आर मो आरो मोहन कौन कहानी के मुख्य पात्र कि रोहन और मोहन जो है कौन से कहानी का मुख्य पात्र था बनेकलोर झाईगर हाम कैसे जियब या फिर गुरुजी फिकीर महेशर और पार्वती कौन से कहानी के पात्र हैं दुखिया बनेक बोल छाइगर या फिर हम जाइब कैसे हमनी पेठिया जाइब एकर में सर्वनाम शब्द के छाटा पेठिया हामीन जाइब या सभी चाभी काठी नाटक में कालू रामेक मुंशी के रहे बाबा फकीरा मंगल या फिर रोहन जे बैराख ऋतु में गावल जाए वो कौन सा गीत है झुमटा खेमटा भदरिया या फिर फगुआ लिंगेक सही जोड़ा छाटा जेठाक जठा लेरू लेरा सेठ सेठानी या सभी बैठाक विदाई पहर कौन गीत गावल जाए विदाई गीत लगनाही गीत या फिर संधि यारी गीत गीत या फिर सभे गीत? अनिता कुमारी जी के हेठक गीत कौन सा लागत जय माय बोन रक्षा जीवन रक्षा मिली के रहिया या फिर सोहन लागे रे बूढ़ी आर ओकर नाती लोक कथा जोगाड़ी करल हाथ दिनेश दिनमणि ने लिखा है मतो ने अरविंद कुमार ने या फिर बी एन ओहदागार ने लिखा है एक पथिया डोंगर महुआ के डोंगल कर अर्थ की होवे पारे क्या अर्थ होता है डिंगावल बिछल चित्रावल या फिर भित्रावल चाबी काठी नाटक में रोहन का बेटा है रोहन का किसका बेटा है कालूराम का राधो का रति रामे का बुधनाक का गुदुपुज कहानी आर कोवा लोकगीत में गुदुपुज रानी कैकरा कहल जाए चरक रंगेक पोका के या फिर हरिहर रंगेक पोका के या फिर करिया रंगे पोका के या फिर लाल रंगे पोका के चिमटू कौन लोक कथा के पात्र लगे सात भाई एक बहन केतकी फूल धनेक धा, धाई या फिर कोई ना पहान केकरा कहल गेल है पहान जो है किसे कहा जाता है सरनाइक पूजा करे वाला को नेका को या फिर गोड़ाइत को या फिर कोई ना खोठा निबंध कविता सॉरी किताबे निबंध कै गो है आठ गो है नौ गो है उन्नीस है या बारह है आषाढ़ महीना गावल गीत कौन गीत कहल जाए कौन सा गीत कहा जाता है अषाढ़ी झुमटा खेमटा या डम कच लोक गीत रचनाकार कौन है गायित अगायित दुई गो कोई नहीं या फिर चाबी काठी नाटक में सो, सोह काकर माय लागे शंकर कर रीति के कर्मी के या फिर मंगल कर जिंदगी के डोहाइन में कौन सा कविता शामिल है खटरस है हर हीच डगर है या सोंदमाटी है या फिर छाईगर है तो ये था सौ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ पढ़ दिया हिंदी का या फिर कोई और भी सब्जेक्ट की जो है जैसे ही प्रश्न पत्र मुझे मिलता है डेफिनेटली आपको शेयर किया जाएगा वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक बार नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को कहाँ से आप देख रहे हो झारखंड के किस जिले से देख रहे हो गिरिडीह धनबाद बोकारो देवघर दुमका कहाँ से देख रहे हो नीचे कॉमेंट करके जरूर लिखिएगा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हैव ए गुड डे